हेलो वेलकम। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट सोया चंक्स मिक्स वेजिटेबल करी। तो ये ऐसा सोया चंक्स पैकेट में रेडी मिलता है, किसी भी इंडियन स्टोर में अवेलेबल है। तो इस तरह से आप सोया चंक्स लाए और मिक्स वेजिटेबल करी बनाए इंडियन स्टाइल से। ये बहुत ही बढ़िया और खाने में बहुत ही हेल्दी होता है सोया चंक्स। तो बनाने का तरीका भी आसान है। मिक्स वेजिटेबल ले लें आप, कोई भी मिक्स वेजिटेबल जो भी डालना चाहे आपको, जो पसंद है वो आप डाल सकते हैं। एज अ पेपर भी डाल सकते हैं, कुछ एक भी डाल सकते हैं, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, सब वेजिटेबल जो भी हैं वो आप डाल सकते हैं। थोड़े से वेजिटेबल ले लें, ऑनियन कद्दूकस कर ले, टमाटो को भी कद्दूकस कर ले, गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिली क्रश कर ले, स्वाद अनुसार नमक, गरम मसाला, तेल, जीरा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, ये सब आप इंग्रेडिएंट्स हैं। अब उसको कैसे बनाना है वो हम दिखाएंगे। सोया चंक्स को पहले आप अच्छी तरह से पानी में डाल के बॉईल कर लें। ये पीछे इंग्रेडिएंट्स किस तरह से बॉईल करना है उस इस तरह आपको लिखा हुआ है। अगर आपके पास ये लिखा हुआ पैकेट नहीं है, वैसे ही प्लेन सोया चंक्स आप ले रहे हैं, तो उसको 3 कप पानी में आप उबालें और 1 कप आप सोया चंक्स डालें उसके अंदर। 2 से 3 मिनट में ये सोया चंक्स आपका पक जाएगा। तो पकने के बाद इसका साइड में रख लें सोया चंक्स को। फिर हम ग्रेवी बनाने की तैयारी करेंगे। एक पैन में ऑयल ले लें, थोड़ा सा उसके अंदर जीरा डालें। जीरा जैसा होता है उसके अंदर हम डालेंगे 1 तेज पत्ता, थोड़ा सा ब्राउनिश जैसे जीरा हो जाए उसके अंदर हम ये पकाएंगे। इसी तरह से ब्राउनिश गुलाबी गोल्डन होने देंगे, तब तक इसको पकाना है। इसके अंदर सारे मसाले डाल दो, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, रेड ग्रीन चिली हमने डाली है तो उस हिसाब से अब रेड चिली कम करके डालिए, नमक स्वाद अनुसार, गरम मसाला, अच्छी तरह से उसको मिला ले। फिर थोड़ा सा पानी डाल दो ताकि मसाला चिपके नहीं और ऑनियन में से तेल जल्दी छूट जाए। इस तरह से मिक्स करें, थोड़ी देर पकने दें। उसके बाद कसा हुआ टमाटर जो हमने कस करके रखा था कद्दूकस, टमाटर भी आप अंदर डाल दें और अच्छी तरह से पकने दें। बाद में अच्छी तरह से ग्रेवी पक जाए उसके अंदर वेजिटेबल डाल दें और फिर तुरंत ही ये पैकेट खोल के सोया चंक्स डाल दें अंदर इस तरह से, और फिर थोड़ा सा पानी डालें ग्रेवी के जितना और धीमी आँच पे उसको पकने दें। सोया चंक्स पकने में 2 से 3 मिनट ही लगती है, ज़्यादा नहीं। तो आप ग्रेवी के अंदर डाल के भी इस तरह से पका सकते हो, या जैसे हमने पहले आपको बोला पानी बॉईल करके पका के साइड में रख लें और उसके बाद ग्रेवी हो जाए उसके अंदर ऐड कर दें। जो आपको आसान तरीका लगे उस तरह से आप पका सकते हो। ये हमने डाल दिया, आप चाहे तो पोटैटो बॉईल करके भी आप अंदर कट करके डाल सकते हो। इसको हम मीडियम आँच पे पकने देंगे स्लो फ्लेम पे। इसको 5 से 8 मिनट ढक के आप मीडियम आँच पे होने दें। उसके बाद आप देख लें और ऊपर से करी अंडा फ्रेश बारीक कट करके डालें और गर्मा गर्म रोटी, नान, राइस के साथ सर्व करें। थैंक यू वेरी मच।